सब्सक्राइब कीजिए ट्रू टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाएं इस घंटे के बटन को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रू टेक्निकल हेल्प, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडमोब से एड यूनिट कैसे निकालें। तो ज़्यादा देरी न करके मैं बताने जा रहा हूँ एडमोब से एड यूनिट कैसे। उसके लिए आपको एडमोब की एडमोब में लॉग इन होना पड़ेगा और एडसेंस की भी एडसेंस का भी अकाउंट होना चाहिए और एडमोब का भी, दोनों का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल में जाकर, और इस बेल आइकन के बटन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। एडमोब सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। सबसे पहले ले लेंगे एक ऐप साइन इन टू एडमोब। मैंने पहले से साइन किया है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। चलिए, मेरा एडमोब ओपन हो गया। थोड़ा देर रहा, नेट स्लो है इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। अब थोड़ा नीचे गए, करने के बाद ऐड ऐप पर क्लिक करें। नो ऐप, आप अपने ऐप का नाम डाल दें, जैसे कि मैं एग्जांपल पर डाल देता हूँ। ऐसे एग्जांपल एंड्रॉयड के लिए अगर आपको एड यूनिट निकालना है तो एंड्रॉयड, अगर आईओएस के लिए करना है तो आईओएस। हमें एंड्रॉयड के निकालना चाहते तो आप क्रिएट एड यूनिट बैनर इंडस्ट्रियल रिवार्ड 3 एड यूनिट, आपको जो भी एड यूनिट निकालना है वो निकाल लीजिए। मैं इंडस्ट्रियल निकालता हूँ। इंडस्ट्रियल निकालने के लिए यहाँ पर भी आपको कुछ टाइप करना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बस क्रिएट एड यूनिट। अब ये देखिए मेरी एड यूनिट यहाँ पर आ गई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने ऐप में जाकर पेस्ट कर दीजिए। अब क्रिएट अनदर एड यूनिट पे जाइए। अब बैनर के निकालने तो बैनर ऐसे इसमें भी डाल दीजिए, कॉपी कर लीजिए। और बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। और आप भी एक बार मैं और कर रहा हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाएं मेरे वीडियो को। अगर आपको जरा सा भी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।